बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक साजिश रचती है तो उसका कैसे जवाब दें, इसके लिए एक खाका तैयार किया गया। उसी खाका के आधार पर नेता प्रतिपक्ष अपनी बातें रखने का काम करे। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की संख्या कितनी है उसके लिए आपको जाति का नाम और जाति का आधार यही तो जोड़ना है, तो इससे क्यों आप वंचित करना चाहते हैं उन वर्गों को? कहीं ना कहीं इसमें साजिश है। तभी तो आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सरगर्मी बहुत तेज़ हो गई है। आज 4 बजे बैठक होने वाली है, सर्वदलीय बैठक है। बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव RJD कार्यालय आए थे, कुछ नेताओं से मिले, क्या कुछ बातें हुई, आइए हम प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी उनसे जानते हैं क्या बात। देखिए, नेता प्रतिपक्ष सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ आज राज कार्यालय में बैठक की है। उसमें कांग्रेस के नेता भी थे, आपको वामपंथी दलों में CPIML, CPIM, CPI, उसके अलावा AIM के भी नेता थे। सभी लोग एक बात पर सहमत हैं कि बिहार में जब जातीय जनगणना हो तो कोई राजनीतिक साजिश नहीं हो, और इस साजिश से कैसे बचा जाए तब विपक्षी दलों का एक सुर से आवाज़ निकलना चाहिए, और उसी आवाज़ को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने अभी बैठक बुलाई थी, और उसमें सभी दलों में सहमति बनी कि हम लोग एक सुर से जातिगत जनगणना बिहार में हो, और बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक साजिश रचती है तो उसका कैसे जवाब दें, इसके लिए एक खाका तैयार किया गया। उसी खाका के आधार पर नेता प्रतिपक्ष अपनी बातें रखने का काम करेंगे। अच्छा एजाज अहमद जी, जातीय जनगणना होगी तो उससे आम लोगों को क्या फ़ायदा है? देखिए, जातिगत जनगणना इस देश के हित में है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि आप देखे होंगे 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई, जबकि आप धार्मिक आधार पर गणना कराते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति का गणना कराते हैं, आप सभी जानवरों का गणना कराते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को और समाज के जो प्रभुत तबके हैं उनको क्यों अलग रखना चाहते हैं? उनकी भी गणना करा करके स्पष्ट दृष्टिकोण देश के सामने आनी चाहिए। चूँकि देश में जो विकास की योजनाएं बनती है, जो खाका तैयार होता है नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, उसमें जो पिछड़ा वर्ग है, कमेरे वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग हैं, जिनको अपलिफ्टिंग करने के लिए सरकार की ओर से योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है और पता नहीं चल पाता है कि इनके लिए कितनी राशि आवंटित की जाए। तो उन लोगों के लिए जिनकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनके लिए राशि आवंटित हो, नीति आयोग रिपोर्ट बनाए, सामाजिक और आर्थिक आधार पर कैसे इस समाज को अपलिफ्ट किया जाए, उसके लिए आवश्यक है देश हित में। मेरा तो मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी आज जातिगत जनगणना कराने के उद्देश्य को लेकर के बिहार में बैठक में शामिल हो रही है, सर्वदलीय बैठक में, तो उसको केंद्र में कराने से क्यों परहेज है? बिहार में चूँकि सत्ता में उसको बने रहना है, इसलिए मजबूरी में वो साथ है, लेकिन केंद्र के स्तर पर कराने से क्या परहेज है? इसका मतलब है कि उनकी नीयत साफ नहीं है, और कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है, और जिसकी नीयत में खोट है उसको पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कमेरा वर्ग, झोपड़ी में रहने वाले लोग, वंचित और अति वंचित लोग समझ रहे हैं कि ये हमारे साथ राजनीति करने वाली पार्टी है, इसलिए उसको बेनकाब किया जाना ज़रूरी है। खुशी की बात है कि सत्ता पक्ष के लोग भी इस मुहिम में जो तेजस्वी जी ने शुरू किया है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री से शिष्टमंडल मिलने का मामला हो या बिहार में जातिगत जनगणना पर सहमति के लिए आज सर्वदलीय बैठक का मामला हो और बिहार स्तर से जातिगत जनगणना की शुरुआत हो, ये मील का पत्थर साबित होगा और देश को एक बड़ा संदेश जाएगा। अच्छा एजाज अहमद जी, अभी आपने बात किया कि कुछ साजिश होगी, किस साजिश से डर रहे हैं? देखिए, साजिश तो पता है, केंद्र सरकार ने क्यों मना कर दिया एफिडेविट दे करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते, जबकि अभी कास्ट सेंसेक्स नहीं हुआ, आपको सिर्फ एक कॉलम जोड़ना है, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की संख्या कितनी है उसके लिए आपको जाति का नाम और जाति का आधार यही तो जोड़ना है, तो इससे क्यों आप वंचित करना चाहते हैं उन वर्गों को? कहीं ना कहीं इसमें साजिश है। तभी तो आपको अगर मनसा साफ होता तो आप केंद्र स्तर से घोषणा कर दिए होते, चूँकि अब तो माननीय गृह राज्य मंत्री ने दोनों ने अलग अलग बयान दिया है। गृह मंत्री कहते हैं कि कास्ट सेंसेक्स बहुत जल्द होगा,
वो भी डिजिटलाइजेशन से होगा, वो भी किसी ना किसी तरह से लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो आप क्यों इससे वंचित करना चाहते हैं आप? और दूसरी ओर जो केंद्रीय गिरिराज मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, इसमें दूसरी तरह की बातें कर रहे हैं। दोनों मंत्रियों में विरोधाभास है, इससे ही स्पष्ट होता है कि इस मामले में केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। अभी आपने सुना एजाज अहमद जी थे जो राजद के प्रवक्ता हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि सर्वदलीय बैठक होने वाली है, उसमें क्या कुछ बाहर बातें निकल कर बाहर आती है वो आपको हम बाद में बताएंगे। इनका कहना है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं साजिश से डर लग रहा है, और इनका ये भी कहना है कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो भी पिछड़े लोग हैं, जातीय जनगणना से उनको बहुत सारी लाभें मिली।